अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। संसद में 140 सांसदों को निलंबित करने के बाद पारित किए गए विधेयक जनहित में नहीं हो सकते। ऐसे ही है एक कानून हिट एंड रन को 48 घंटे में ही जनता ने नकार दिया और सरकार को उसे वापस लेना पड़ा है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल 7 जनवरी को युवा संसद का आयोजन कर रही है। इसमें पार्टी मुखिया जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह जानकारी आज मेरठ में तैयारी संबंधी बैठक करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए मीरापुर के विधायक चंदन चौहान ने कही। देखिए, आने वाली 7 तारीख को जनपद मेरठ में दाबका कट साई धाम कॉलोनी मैदान मेरठ बाईपास पर एक बड़ा कार्यक्रम आदरणीय जयंत चौधरी जी की अध्यक्षता में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन पार्टी कर रही है। उसी के क्रम में उसी की तैयारियों को लेके आज हमारे हस्तनापुर रोहेलखंड ब्रज क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी क्षेत्रीय पदाधिकारी जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ सभी की जिम्मेदारियाँ बांटी गई और निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में संसदीय परंपराओं सामाजिक परंपराओं का निर्वहन और उनका नीचे तक संचार युवाओं तक होना चाहिए। वरना जैसे पिछले दिनों में हमें देखने को मिला कि ऐसा कानून पास कराया गया 140 सांसदों को सस्पेंड कराने के बाद कि जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता ने खुद विरोध कर दिया और 48 घंटे भी सरकार सहन नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं अगर सदन विपक्ष विहीन रहेगा और इस तरीके से विधेयकों पे चर्चा नहीं होगी तो इस तरीके परिणाम और भी सामने आएंगे। तो मुझे इतना ही कहना है, ऐसे समय में युवाओं को संसदीय परंपराओं से जोड़ते हुए उनकी सामाजिक और वर्तमान जो समस्याएं हैं उन्हें से अवगत करा के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक सही समाधान और एक सही दिशा पर चलाने का काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।